फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डायनामिक आइलैंड जो कि एक न्यू फीचर एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाई है वो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स भी कम नहीं, तो उन्होंने भी एक ऐप बना डाली जो कि जो फीचर एप्पल ने लॉन्च की है वही सेम को सेम हमें प्रोवाइड करती है जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स होते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, थोड़ा सा प्रोसेसर वो करना है, आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर ऐप तो आपका सुना हुआ होगा। प्ले स्टोर ऐप में आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है डायनामिक स्पॉट। जैसा कि मैंने पहले से सर्च किया हुआ है, तो आप यहाँ से डायनामिक, यहाँ से स्पेस मत देना, स्पॉट लिखना। ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, देन आप इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाए वेट करना है, जैसे इंस्टॉल हो जाए देन आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ और ये ओपन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप ऑल सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से ऐप पर इसको शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कंपस कर लेता हूँ, म्यूजिक कर लेता हूँ, मैसेज कर लेता हूँ, मैप्स कर लेता हूँ, फोन कर लेता हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको एक्सेस देनी पड़ेगी ताकि ये ऐप आपके मोबाइल में अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायनामिक स्पॉट पर क्लिक कर लेना है और देन आपको यहाँ अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस अलाउ, जैसे अलाउ कर देंगे ये थर्ड ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा ड्रा ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पर भी आपको एंड्रॉयड सेटिंग से अलाउ करना पड़ेगा। डायनामिक स्पॉट का ऑप्शन ऑफ है तो आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। ठीक है, अलाउ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देन आपको डन कर लेना है। तो अगर आप कोई भी ऐप आपने सिलेक्ट किया है, मैंने फॉर एग्जांपल म्यूजिक करा है, तो म्यूजिक में यहाँ से ओपन कर दिया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने म्यूजिक ओपन कर दिया और ऊपर आप देख रहे होंगे छोटा सा जो डायनामिक आइकन है वो दिख रहा है। तो हम चलते हैं इसके ऐप में, अगर आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, अगर आप फिर से प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐप खोलते हैं और पॉपअप सेटिंग्स में जाते हैं। पॉपअप सेटिंग्स में हम देखते हैं डायमेंशन में जाते हैं और वहाँ से कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। अगर आप शेप के पोजीशन वाई करेंगे तो आपको मतलब आपको कहाँ रखना है, कितना नीचे करना है, कितना ऊपर करना है। तो यहाँ फिर मैं कुछ मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए और मुझे भी सही नज़र आए, तो मैं यहाँ पर कुछ कर देता हूँ। ठीक है, और देन ऑफसेट साइज एक्स को हम एडजस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, पॉपअप जो है उसका आइकन है जो उसका, तो वो कितना विड्थ होना चाहिए, तो विड्थ की यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑफसेट वाई भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ ऊपर से नीचे मतलब ये कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैं देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ऐसा मोटा बना दिया है। ठीक है, और एज राउंडिंग आप छोड़ दें और यहाँ से आप वापस चले जाएँ, तो इसी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर चाह आप दो पॉपअप्स एक साथ दिखाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से अलाउ कर देंगे, अगर नहीं तो एक भी हो सकता है। ठीक है, और देन यहाँ पर आपको वेंट टच आउटसाइड, मगर इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बाहर क्लिक करूँगा तो कहीं और, तो ये जो पॉपअप है ये डायनामिक का आइलैंड का जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जो प्रीमियर जो है प्रो वर्जन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी इसकी फीस होती है, वो यहाँ से अगर प्रो, यहाँ से आप इसकी फीस भरकर डाउनलोड कर सकते हैं जो कि कुछ और ही फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से आप अपने मोबाइल में ये डायनामिक स्पॉट
नाम की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए डायनामिक आइलैंड फीचर को यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना अगर आपके पास कोई इशू पेश आ रहा है, तो मैं यकीनन आपकी हेल्प करूँगा और हर कमेंट का मेरा वैसे भी रिप्लाई होता है।